नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 2,70,000 लूट की घटना निकली। फर्जी पैसा गिरने के बाद गड़ा था फर्जी लूट होने की कहानी। सीसीटीवी छानबीन के बाद हुआ खुलासा। एसपी सिटी ने कहा, पैसा गिरने के स्थान की जा रही है छानबीन, की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। शासन द्वारा निर्धारित 1,80,000 मैट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 77% की जा चुकी है धान की खरीदारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जानकारी देते हुए कहा, 15 फरवरी तक निर्धारित लक्ष्य को कर लिया जाएगा पूरा। किसानों को किसी भी प्रकार की हो दिक्कत तो तत्काल दे सूचना, किया जाएगा तुरंत समाधान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय देश का बन गया है A++ ग्रेड पाने वाला अब चौथा विश्वविद्यालय। मिलेगी सरकार द्वारा तमाम तरह की सुविधा। अब देश के अन्य राज्यों से भी विश्वविद्यालय में बच्चे लेंगे एडमिशन। विश्वविद्यालय बढ़ाने जा रहा है सीट। राशन कार्ड धारकों को मिल रहे निःशुल्क राशन को भारत सरकार ने एक साल के लिए बढ़ाया। अब एक साल तक सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क राशन। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी। मार्च 2020 में कोरोना के समय में हुए मृतक गार्जियन के दो बच्चों को शासन द्वारा बाल सेवा सामान्य योजना के तहत भरण पोषण करने के लिए 2,500 रुपए की दी जाएगी सहायता। जरूरी नहीं कि कोविड से ही हुई हो मृत्यु, केवल कोरोना काल में हुई गार्जियन के सामान्य मृत्यु पर भी अनाथ दो बच्चे होंगे पात्र। जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने दी जानकारी। बैंक रोड चौराहे पर रोड के किनारे बांसवाड़ों के विरुद्ध अभियान चलाकर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम एवं कोतवाली पुलिस तथा नगर निगम के कर्मचारियों ने हटवाया अतिक्रमण। उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला ने कहा, दी गई है हिदायत, आगे किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए अतिक्रमण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए 24 प्रत्याशी हैं मैदान में। 30 जनवरी को होगा मतदान। 17 जिलों में वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 321 बूथ। 2 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय में होगी मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं एवं हिंदुओं की हत्या के विरोध में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा, घृणा फैलाने व समाज को भड़काने वालों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया जाए एक कठोर कानून। सेंट एड्यूज कॉलेज के एनसीसी 15 गर्ल्स एवं 45 बटालियन द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। कॉलेज के प्राचार्य आरएन सैमुअल ने सड़क सुरक्षा की दिलाई शपथ। कहा, विद्यार्थी जीवन से ही वाहन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो छात्र छात्राएं, रैली करने का यही है मकसद। और दिन में धूप निकलने से आम जनमानस को घर से बाहर निकलकर कार्य करने में मिल रही है राहत। लोग अपने परिवार के साथ पार्क में बैठकर ले रहे हैं धूप का आनंद। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, सुबह व शाम में रहेगी ठंड, गर्म कपड़ा पहनकर ही निकले घर से बाहर। अब खबरें विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र में जेपी हॉस्पिटल के निकट पीपीगंज के व्यक्ति से लगभग 2,70,000 की लूट की सूचना फर्जी निकली, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पीपीगंज का एक व्यक्ति गोरखपुर आया था, जिसने पुलिस को सूचना दिया कि उसके साथ गोरखनाथ फ्लाईओवर के नीचे लूट हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी से छानबीन की तो पता चला कि उसके साथ कोई लूट हुई ही नहीं है, उसका पैसा कहीं गिर गया है, तो उसने लूट की फर्जी सूचना पुलिस को दे दी। एसपी सिटी ने बताया कि व्यक्ति के पैसा गिरने के स्थान की भी जांच की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, एक व्यक्ति है जो आज वहां से निकला था पीपीगंज से, उसने बताया कि उसके साथ में गोरखनाथ फ्लाईओवर के पास में लूट हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, सीसीटीवी कैमरे खंगालने से पता चला कि उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार कोई लूट नहीं हुई, कोई धक्का किसी ने नहीं दिया,
और उस व्यक्ति के द्वारा बाद में फुटेज दिखाने के बाद में उसने ये बताया कि मैंने पुलिस को फर्जी लूट की सूचना दी थी, वास्तव में मेरे पैसे कहीं गिर गए थे। अब पुलिस ये पूछताछ छानबीन में लगी है कि उसके पैसे वास्तव में कहाँ गिरे थे और लूट के द्वारा दी गई सूचना है वो फर्जी सूचना है। सर इसमें क्या उसके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन भी ले रहे हैं जिसने फर्जी सूचना दिया था? पहले ये पता करा ले रहे हैं कि उसके पैसे कहाँ गिरे थे, कोर्सिव एक्शन वगैरह के बारे में विधिक कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जाएगी। जनपद में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 77% धान की खरीदारी की जा चुकी है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद में 121 क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी की जा रही है। शासन द्वारा 1,80,000 मैट्रिक टन धान खरीदारी का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष 77% धान की खरीदारी की जा चुकी है। अभी भी लगातार क्रय केंद्रों पर खरीदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा, इसलिए किसान धान क्रय केंद्रों पर जाकर अपने धान की बिक्री करें। अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो सरकारी टोल फ्री नंबर या एडीएम फाइनेंस कार्यालय पहुंचकर या मोबाइल से सूचना दें, शिकायत का तुरंत समाधान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, जनपद में गत 2 महीना से करीबन 171 केंद्र में खरीद किया जा रहा है। 1,80,000 का लक्ष्य है हमारे यहाँ का, जबकि 77% के आसपास खरीद हो गया है और अभी भी कुछ कुछ केंद्रों में आवक है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माह के एंड या 15 फरवरी तक लक्ष्य पूरा हो जाएगा। किसान से बस यही अपील है कि अगर किसी प्रकार की अगर शिकायतें आती हैं या अगर केंद्र में परेशान किया जा रहा है तो उसका तत्काल कंट्रोल रूम या ADMFR जो कि नोडल ऑफिसर है उनको सूचित करें या हमारे यहाँ सूचित करें, तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि किसी तरह की समस्या उनको ना आए। गोरखपुर विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिलने पर कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि DDU विश्वविद्यालय ने NAAC मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त किया है। A++ में भारत के बहुत कम विश्वविद्यालय हैं, लगभग 8 से 9% विद्यालय ही A++ के ग्रेड के होंगे। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय को 3.78% मिला है, जो कि प्रदेश के विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय व गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय का 3.54% है। उन्होंने कहा यह गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को व अध्यापकों को इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का ग्रेड पाने के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय पैसा खर्च करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय देश का 4th विश्वविद्यालय बन गया है जिसको इस तरह का ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा हम लोगों ने खुद अपने कार्यों से इस तरह का ग्रेड पाया है। पहले छात्र पढ़ाई के लिए दिल्ली जाता था, अब वह सभी सुविधा गोरखपुर विश्वविद्यालय देगा। विश्वविद्यालय अब छात्रों के लिए सीट बढ़ाने जा रहा है। देश में 85% विश्वविद्यालय हैं, उनको एक मैसेज गया है, क्योंकि यहाँ पर गरीब घर के बच्चे आते हैं, यहाँ भी नेशनल पोटेंशियल के सिस्टम है जिनको हम लोगों ने करके दिखाया है, जिसका उल्लास 1 महीने तक मनाया जाएगा, जिसको हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने कहा NAAC मूल्यांकन जो विश्वविद्यालय पा जाता है उसको भारत सरकार 50 करोड़ स्पोर्ट्स के लिए देती है और 50 करोड़ स्किल के लिए देती है, लेकिन अब A++ जब लिख कर दिया जाएगा तो कोई भी प्रोजेक्ट आपके विश्वविद्यालय को मिलेगा, जिसका पूरा प्रचार प्रसार गोरखपुर के सभी महाविद्यालयों में किया जाएगा। अभी आगे भी प्रयास जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, उसमें किसका कितना है, कैसे है, क्या इसके फायदे हैं, जैसे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खुले चाहिए स्पोर्ट्स के लिए 50 करोड़ मिलेंगे। DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय ने A++ प्राप्त किया है। A++ में भारत के बहुत कम विश्वविद्यालय हैं, मुश्किल से 8-9% विश्वविद्यालय होंगे जो NAAC अक्रेडिटेड हैं, प्राप्त किया होगा A++, उसमें से हमारा विश्वविद्यालय भी है। 3.78%
3.78 CGPA बोलते हैं, वो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट कैलकुलेशन का फार्मूला होता है, चार में से हमें मिला है, जो कि हमारे प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है। हमारे बाद दो ही डबल प्लस की यूनिवर्सिटी हैं प्रदेश में, एक DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दूसरी लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का 3.54 है, हमारा 3.78 है, काफ़ी आगे है। जो मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ आज, मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, और ऐसी बहुत सारी उपलब्धि हैं जिनको बड़ा कहा जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि इस बड़ी उपलब्धि को गोरखपुर के छात्रों को, गोरखपुर के टीचरों को और गोरखपुर के निवासियों को समझने की और उसके अनुसार व्यवहार करने की। एजुकेशन जो आजकल हो गया है, जो ब्रांडिंग में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बहुत पैसे खर्चा करती हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं, तो गोरखपुर रह के हम जो अपने राष्ट्रीय स्तर पे आज हम चौथे विश्वविद्यालय हैं हो गए हैं, जो तीन विश्वविद्यालय और हैं, एक है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है ये मुंबई में है, इनका जो CGPA है चार में से 3.89 है। टाटा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, हाथ में रहती हैं। अक्सर आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो मेरे पास सात यूनिवर्सिटी का टॉप सात यूनिवर्सिटी का डेटा है जो नेक एग्रीडेड है, तो पहला टाटा का है, दूसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, GNDU अमृतसर, अमृतसर का बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरह है, बड़ा अच्छा है, और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी है, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स में उसकी फर्स्ट रैंकिंग रही है, तो उनका 3.85 है। दूसरी है, तीसरी यूनिवर्सिटी है लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, इनका 3.79 है, और ए डबल प्लस इनका भी है। उसके बाद दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय है जिसका 3.78 है। तो हम लोग देखा जाए तो ऑल इंडिया लेवल पे चौथे नंबर पे हैं, और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3.28 है, इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पाँचवें नंबर पे 3.77 है एडिटर। तो मैं कहना ये नहीं चाह रहा हूँ कि ये हम लोग बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे निकल गए, ये तरीका होता है प्रेजेंट करने का डेटा। हमारे पास पोटेंशियल है, हमने प्रेजेंट किया, पाया, अब ज़रूरत है उसको मेंटेन करने की, अब ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हमने जब कभी अक्सर जो स्टूडेंट गोरखपुर से भागता है, दिल्ली भागता था, दिल्ली भागेगा, मुंबई भागेगा, कलकत्ता भागेगा, वो भागेगा, वो भागने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पोटेंशियल है। और गोरखपुर जैसी स्टेट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जिनका अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्ट्रेंथ होती है अगर उसको शोकेसिंग किया जाए, जैसे हम लोगों ने किया, और ऐसी विश्वविद्यालय देश भर में करीब 85% विश्वविद्यालय ऐसे हैं, तो उनको एक मैसेज है गया है कि इस पिछड़े इलाके में भी हम जहाँ गरीब बच्चे आते हैं वहाँ भी हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल पोटेंशियल के सिस्टम्स हैं, और वो हम लोग ने करके दिखाया है। और इसको मैंने बोला है कि एक महीने तक हम इसका उल्लास मनाते रहेंगे। उल्लास मनाने का ये मकसद नहीं है कि हम लोग कोई इसको बहुत ड्रमिंग करेंगे, ड्रम बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। उल्लास मनाने का ये मकसद है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, उसका रियलाइजेशन हमारे स्टूडेंट को होना चाहिए, हमारे शिक्षकों को होना चाहिए। कई कुछ मीडिया से आया, FM रेडियो से, कि सर एक नेक का मतलब क्या है, तो इस व्यवस्था को समझने की जरूरत है, समझाने की हम कितना आगे निकल गए हैं। भारत सरकार जो नेक ए भी पा जाता है,
ए प्लस में, और उसको करीब 50 करोड़ स्पोर्ट्स के लिए देती है, 50 करोड़ इंक्यूबेशन सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देती है, 50 करोड़ स्किल के लिए देती है, और बहुत सारे जब आप ए प्लस लिख के दीजिएगा तो आपका आपको प्रेफरेंस से किसी DST में डालिएगा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, आप UGC में डालिएगा आपको मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, हमारे कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत है। अभी शायद कॉलेजेस नहीं समझ पाए हैं, तो हम लोग सिस्टमेटिक वर्क में हर डिपार्टमेंट में इसका फंक्शन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा से दो फायदे होंगे, एक सारे एक मैसेज जाएगा कि ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी है जो A++ लेके आई है, इसका मतलब ये है और हम इसके फायदे हैं, और जिससे कि और ये फायदे हमारे दूर दराज के कॉलेज जो हैं वो भी समझ सकें। तो ये आग एक महीने रहेगा, और हमारा ये रहेगा कि जो हमने मुहिम शुरू की थी वो आगे बढ़ाई जाए। ये एक अगर हम कहें कि जो एक इंस्टीट्यूट के एक्सेलेंस के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तो हमने एक पैरामीटर पार किया है। पहले हमने QS रैंकिंग 100 में लाए थे, अभी NRF रैंकिंग है, हाई एजुकेशन का रैंकिंग है, और बहुत सारे एक्रेडिटेशन सिस्टम है, US न्यूज़ का रैंकिंग है। आप जैसे जैसे शोकेजिंग करोगे वैसे वैसे आपको बढ़ेगा। अब विश्वविद्यालय कोशिश करेगा, हम बहुत जल्दी हम फरवरी में ही अपना एडमिशन प्रोसेस डालना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके एडमिशन A++ में हो, और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें जो दूसरी स्टेट के बच्चे पढ़ेंगे हम उसकी सीट भी बढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हमें इंटरनेशनल और NIF रैंकिंग हासिल करने में मदद करेगा। इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक गोरखपुर को एक एजुकेशन हब की तरह तैयार किया जाए। हम अनुरोध करेंगे जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं वो भी हमारे अम्ब्रेला के नीचे आए, जो हमारे एंट्रेंस बच्चे हों तो 20% 30% सेंट एंड्रयूज़ में जा सकते हैं, दिग्विजयनाथ में जा सकते हैं, जो कि दूसरी स्टेट से होंगे और अच्छे बच्चे होंगे। बच्चों से ही यूनिवर्सिटी बनती है, जो अच्छे बच्चे होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी बनती जाती हैं। हमारी IITs इसलिए अच्छे नहीं है कि हमारे पास बेस्ट फैसिलिटी है, हमारी IITs इसलिए अच्छे हैं कि हमारे बच्चे कम्पिटिटिव होके आते हैं, 200 में से एक बच्चा एडमिशन लेता है, तो बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो उनका प्लेसमेंट बढ़ जाता है। तो ही रियलाइजेशन हम लोग को करना है, हम लोग इसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे अलग अलग आयाम पे अलग अलग हम लोग प्रेस नोट जारी करते रहेंगे। कई आज हम एक सर्कुलर जारी कर रहे हैं कौन सा डिपार्टमेंट किस दिन इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेगा, जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो और नई चीजें बताएं। भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को मिल रहे निशुल्क राशन को एक साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसके संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा द्वारा जितने भी राशन कार्ड धारकों को निशुल्क राशन मिल रहा था उसको भारत सरकार ने घोषणा कर अगले एक वर्ष तक बढ़ा दिया है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा और हमारे विभाग के द्वारा वितरण किया जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक जो भी राशन जिले में बट रहे हैं वह बिल्कुल होंगे। उन्होंने बताया कि जितने भी संचार माध्यम हैं उनके द्वारा जितनी भी दुकानें हैं वहां पर निर्देश के अनुसार पोस्टर चस्पा कर दिया गया है कि राशन कार्ड धारकों को राशन निशुल्क मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, हाँ भाई, लगता है कि वो एक बात मतलब उसको भी बोलने लगा।
इसमें भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो भी राशन दिया जा रहा है वो एक वर्ष तक निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के द्वारा और हमारे विभाग के द्वारा इस योजना को जो है क्रियान्वित कर दिया गया है और 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक जो भी राशन बट रहा है जिले में वो सब निःशुल्क होगा। इसकी सूचना जो है विभिन्न संचार माध्यमों से और दुकानों पर भी इसकी पोस्टर जो है जैसे निर्देश थे उस हिसाब से चस्पा करवा दिए गए हैं। शासन द्वारा बाल सेवा सामान्य योजना के तहत मार्च 2020 कोरोना काल के समय सामान्य मृतक गार्जियन के 2 बच्चों के भरण पोषण करने के लिए 2500-2500 रुपए महीना की सहायता दी जाएगी, जिसके संबंध में जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार बाल सेवा सामान्य योजना लाई है। ऐसे बच्चों के माता पिता जिनकी मृत्यु कोरोना के समय में मार्च 2020 में हो गई थी, उन बच्चों के भरण पोषण करने के लिए सरकार द्वारा बाल सेवा सामान्य योजना लाया गया है। इसके अंतर्गत परिवार के 2 बच्चों को 2500-2500 रुपए प्रति महीने की सहायता दी जाएगी, जो कि बच्चों की पढ़ाई व देखरेख के लिए होता है। यह राशि 2 रेशियो में दिया जाता है, जो कि पहला तो 0 से 18 वर्ष की सीमा तय की गई है और दूसरा 18 वर्ष से 23 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। इसमें 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई, स्नातक का कोर्स, इंजीनियरिंग, नेट की तैयारी, नीट की तैयारी के लिए 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जिनके माता पिता जेल में बंद हो, उनके बच्चों का कोई देख रेख करने वाला नहीं है या कोई मजदूर के बच्चे हों जिनका कोई देख रेख नहीं करता है, भिक्षा मांगने वाले बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उन बच्चों का भरण पोषण शिक्षा मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने कहा, बाल सेवा योजना सामान्य मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के लिए लाई गई थी जो कोरोना के काल के दौरान माता पिता में से दोनों या किसी एक को खोए थे, लेकिन वो पुष्टि नहीं हो पाई कि कोरोना से हुई है या फिर किसी अन्य कारण से डेथ हुई थी। तो उन बच्चों को भी भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने योजना लाई, बाल सेवा योजना सामान्य नाम से। इसके अंतर्गत परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को 2500 रुपये प्रति महीने की दर से धनराशि का लाभ दिया जाता है, जो बच्चे की पढ़ाई और देख रेख के लिए होता है। ये बच्चों को 2 श्रेणियों में दिया जाता है, पहला तो उनके 0 से 18 वर्ष का है और दूसरी श्रेणी है 18 वर्ष से ऊपर के ऐसे बच्चे जो स्नातक के कोर्स कर रहे हों, मेडिकल के कोर्स कर रहे हों, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हों, नेट या तैयारी कर रहे हों, नीट की तैयारी कर रहे हों, ऐसे बच्चों को 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को भी 23 साल की उम्र तक के अवधि के दौरान उनको दिया जाता है। अगर स्नातक के कोर्स कर रहे हैं तो स्नातक का कोर्स पूरा होने तक के अवधि के लिए दिया जाता है। तो ये पूरी हमारी स्कीम है। इसके अलावा इस स्कीम में ऐसे बच्चे जो हमारे जिनके माता पिता जेल में बंद हैं, कारागार में बंद है और उनका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है, या हमारे जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, ऐसे बच्चों को पुनर्वासित कराते हुए स्कीम से लाभान्वित करना है, जो भिक्षावृत्ति में है ऐसे बच्चों को, इन तरह के सभी बच्चों को जो कि कहीं ना कहीं उनका प्रभावित हो रहा है, भरण पोषण पर शिक्षा इच्छा प्रभावित हो रही है, सभी बच्चों को कवर करने का इसमें प्रावधान किया गया है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के निर्देश पे बुधवार को बैंक रोड चौराहे पर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम एवं कोतवाली पुलिस तथा नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा रोड के किनारे बांसफोड़ों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया तथा हिदायत दिया गया कि आगे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जिसके संबंध में उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला ने बताया कि नगर क्षेत्र में जगह जगह सुंदरीकरण का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर सड़क के किनारे लोगों ने अवैध दुकान रखकर कारोबार रखकर रखा है, जिससे सड़क पर लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जाम की समस्या बनी रहती है। ऐसे जगहों को चिन्हित करके अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में बैंक रोड पर रोड के किनारे बसे बांसफोड़ों को नगर निगम एवं कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा बांसफोड़ों को हटाया गया और कोशिश रहेगा कि वह जगह साफ सुथरी हमेशा बनी रहे तथा आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बांसफोड़ अपना कारोबार व्यवस्थित ढंग से करें, उनका भी रोजगार चलता रहे, अव्यवस्थित ना हो और अवरोध पैदा ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला ने कहा, ये सब एक भी नहीं है, इसको निकालो।
देखिए, नगर क्षेत्र में जगह जगह सौंदर्यीकरण का अभियान चलाया जा रहा है और उसमें कुछ जगहों पे लोगों ने सड़क पे पटरी पे अवैध दुकानें लगा के या अवैध डिमटी रख के अपना कारोबार स्थापित कर रखा है। उससे सड़क में रास्ता चलने वाले लोगों के लिए अवरोध उत्पन्न हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो नगर में धब्बा भी लग रहा है। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करते हुए उन पे अतिक्रमण हटाए जाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि जो दुकानदार हैं, जो पटरी व्यवसायी हैं, उनको भी कोई क्षति ना हो, उनका भी जो है वो दुकानें या उनका जो कारोबार है उसको व्यवस्थित करा दिया जाए, व्यवस्थित तरीके से लगवा दिया जाए, ये भी देखा जा रहा है। तो इसी क्रम में आज जो बैंक रोड है वहाँ पे नगर निगम की टीम ने और पुलिस विभाग ने मिल के अतिक्रमण हटवाया है और कोशिश करेंगे कि वो जगह साफ़ सुथरी रहे, आने जाने में पूरी तरीके से व्यवस्थित रहे, किसी को कोई असुविधा ना हो। और जो बासफोड़ हैं उनका भी रोजी रोजगार चलता रहे, व्यवस्थित ढंग से वो लोग करें, अव्यवस्थित ना हो, अवरोध न पैदा करें। सर देखा जाता है आज हटाया गया फिर कल लगा लेते हैं सर। अब उनके पास चूंकि स्थायी चीज़ें नहीं हैं, वही तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उसको उनकी भी दुकानें व्यवस्थित करवाने कोशिश की जा रही है कि वो व्यवस्थित ढंग से करें, ऐसी जगह पे करें जहाँ आवागमन में कोई अवरोध ना हो। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 2,70,000 लूट की घटना निकली। फर्जी पैसा गिरने के बाद गड़ा था फर्जी लूट होने की कहानी। सीसीटीवी छानबीन के बाद हुआ खुलासा। एसपी सिटी ने कहा पैसा गिरने के स्थान की जा रही है छानबीन, की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। शासन द्वारा निर्धारित 1,80,000 मैट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 77% की जा चुकी है धान की खरीदारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जानकारी देते हुए कहा 15 फरवरी तक निर्धारित लक्ष्य को कर लिया जाएगा पूरा। किसानों को किसी भी प्रकार की हो दिक्कत तो तत्काल दे सूचना, किया जाएगा तुरंत समाधान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय देश का बन गया है A++ ग्रेड पाने वाला अब चौथा विश्वविद्यालय। मिलेगी सरकार द्वारा तमाम तरह की सुविधा। अब देश के अन्य राज्यों से भी विश्वविद्यालय में बच्चे लेंगे एडमिशन। विश्वविद्यालय बढ़ाने जा रहा है सीट।
राशन कार्ड धारकों को मिल रहे निःशुल्क राशन को भारत सरकार ने एक साल के लिए बढ़ाया। अब एक साल तक सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क राशन। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी। मार्च 2020 में कोरोना के समय में हुए मृतक गार्जियन के दो बच्चों को शासन द्वारा बाल सेवा सामान्य योजना के तहत भरण पोषण करने के लिए 2500-2500 रुपए की दी जाएगी सहायता। जरूरी नहीं कि कोविड से ही हुई हो मृत्यु, केवल कोरोना काल में हुई गार्जियन के सामान्य मृत्यु पर भी अनाथ दो बच्चे होंगे पात्र। जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने दी जानकारी। बैंक रोड चौराहे पर रोड के किनारे बांसफोड़ों के विरुद्ध अभियान चलाकर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम एवं कोतवाली पुलिस तथा नगर निगम के कर्मचारियों ने हटवाया अतिक्रमण। उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला ने कहा, दी गई है हिदायत, आगे किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए अतिक्रमण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए 24 प्रत्याशी हैं मैदान में। 30 जनवरी को होगा मतदान। 17 जिलों में वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 321 बूथ। 2 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय में होगी मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं एवं हिंदुओं की हत्या के विरोध में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा, घृणा फैलाने व समाज को भड़काने वालों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया जाए एक कठोर कानून। सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के एनसीसी 15 गर्ल्स एवं 45 बटालियन द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। कॉलेज के प्राचार्य आरएन सैमुअल ने सड़क सुरक्षा की दिलाई शपथ। कहा, विद्यार्थी जीवन से ही वाहन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो छात्र छात्राएं, रैली करने का यही है मकसद। और दिन में धूप निकलने से आम जनमानस को घर से बाहर निकलकर कार्य करने में मिल रही है राहत। लोग अपने परिवार के साथ पार्क में बैठकर ले रहे हैं धूप का आनंद। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, सुबह व शाम में रहेगी ठंड, गर्म कपड़ा पहनकर ही निकले घर से बाहर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव में 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। 16 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी, जिसमें एक प्रत्याशी डॉक्टर विपिन बिहारी शुक्ल ने किया है, जिसका मत पत्र सरकारी प्रेस वाराणसी को छपने के लिए भेज दिया गया है। वहाँ से मत पत्र छपने के बाद 17 जिलों के चुनाव अधिकारी को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा, चुनाव के लिए जनपद में 321 बूथ बनाया गया है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी जिलाधिकारी के द्वारा अपने अपने जनपदों में किया जाएगा। 30 जनवरी को 321 बूथों पर मतदान होगा और सभी बॉक्स गोरखपुर विश्वविद्यालय के कॉमर्स फैकल्टी में जमा किया जाएगा और 2 फरवरी को मतगणना होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो है 16 तारीख को जो है नाम वापसी की तिथि थी, वो समाप्त हो गई और हमारे इस चुनाव में जो है 24 उम्मीदवार हैं। अब इसके मतपत्र की जो है हम लोग ने गवर्नमेंट प्रेस को भेज चुके हैं वाराणसी को, और वहां से मतपत्र छपने के बाद जो है ये सारी सामग्री जो है 17 जनपदों के अधिकारियों के पास भेज दी जाएगी, और उसके बाद जितने भी हमारे 321 बूथ हैं वहाँ पर जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो अपने अपने जिलाधिकारी के लेवल पर किया जा रहा है, और उन पर इस पूरी सामग्री की जो पोलिंग पार्टी का जो मूवमेंट है वो भी संबंधित जो है हेडक्वार्टर से होगा 17 जनपदों के यहाँ से, और उसके बाद जो है 30 जनवरी को चुनाव होने के बाद ये ही जो है पूरे के पूरे मतपेटिकाएँ वगैरह सब सारी चीज़ इकट्ठी होकर गोरखपुर आएंगी हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो है बिल्डिंग में DDU के जो है, और 2 फरवरी को इसका मतगणना होगी। सर, किसी ने पर्चा भी वापस किया? इस समय नाम वापसी केवल डॉक्टर विपिन बिहारी शुक्ल ने की है, और बाकी 24 उम्मीदवार रहे हैं चुनाव में।
जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं एवं हिंदुओं की हत्या के विरोध में बुधवार को डीएम कार्यालय पर बजरंग दल ने एडीएमई के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में बजरंग दल के प्रांत संयोजक पुरेंद्र कुमार ने बताया कि देश में जिहादी तत्व घृणा और आतंक का वातावरण निर्माण कर रहा है। लव जिहाद के अन्य प्रकारों से हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों एवं कार्यकर्ताओं तथा हिंदू नेताओं पर हमले कर उनकी हत्या करने की कई घटनाएं सामने आई है। असम में बजरंग दल के एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभु कैरी की एक जिहादी द्वारा चाकू से कर निर्मम हत्या कर दी गई तथा 2 वर्षों में बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं और अगले निशाने पर कई हिंदू नेता भी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि घृणा फैलाने व समाज को भड़काने वाले पर नियंत्रण करने के लिए एक कठोर कानून बनाया जाए ताकि सशक्त हिंदू समाज हिंसा और घृणा के वातावरण से मुक्त हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत संयोजक पूर्णेंद्र कुमार एवं विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष विश्वजीत शाही ने कहा, अपने जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को डीएम साहब के माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं। अगर आतंकवादी अगर नाबालिग भी हैं उनके ऊपर उसी प्रकार की कार्रवाई हो, जिस प्रकार की कार्रवाई हम बारिश के आगे से हमारी मांग यह ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा गया है। इसका उद्देश्य है कि जो देश भर में घटनाएं हो रही, विशेष रूप से अभी जम्मू कश्मीर में जो हत्या हुई ऐसे छोटे छोटे बच्चों के और ऐसे हिंदू समाज को टारगेट करके जो हत्या किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और यह राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को इस बाबत सूचित करें कि यह जो हत्याएं हो रही हैं उसको तुरंत रोका जाए और इस प्रकार के अगर घिनौने कृत्य करने वाले भले ही नाबालिग हैं उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई किया जाए, उनके लिए कठोर कानून बनाया जाए और ऐसे लोग अगर ऐसा कानून अगर सरकार अगर चेतती नहीं है, सजग नहीं होती और शीघ्रतापूर्वक इसका निदान नहीं करती है तो बजरंग दल भी चुप रहने वाला संगठन नहीं है। पूरे देश में हम समाधान करने में सक्षम हैं और समाधान कर सकते हैं। क्या कहा अधिकारी? उन्होंने कहा है उनको ज्ञापन उन्होंने लिया, राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको आपकी बात को रखूंगा। पूरे देश भर में यह अभियान है, यह केवल गोरखपुर का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है। हमने पूरे देश में 2 दिन में ज्ञापन दिया है, संक्षिप्त सूचना केंद्र से हम लोगों को मिली है। कल और आज 17 और 18 जनवरी को हमको ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, अलग अलग जिलों में हुआ है। हमारे गोरखपुर प्रांत के भी यहाँ जितने प्रशासनिक 10 जिले हैं उन सभी जिलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरा नाम विश्वजीत साहे, जिला उपाध्यक्ष गोरखपुर। असम में, श्रीनगर में, जम्मू में आए दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मृत्यु के घाट उतारा जा रहा है, कई टुकड़ों में बांटा जा रहा है। यह जघन्य अपराध को बंद किया जाए, नहीं तो देश में बहुत ही आक्रामक रूप से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उतर के आएगा
और इन जहादियों को खत्म करने का कार्य बजरंग दल अपने सर पर लेके करने का कार्य एक बार फिर करेगा। इसको मानवता को सभी अपने शासन प्रशासन जागरूकता पूर्वक इस पर ध्यान दे, नहीं तो आने वाले वक्त में बहुत ही बुरा दशा होगा ये जिहादियों का, लव जिहादियों का। कई प्रकार के घटनाएं हिंदू समाज के लिए हमेशा यह चिन्हित करके काम करने का जो कार्य कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द खत्म करने का कार्य करें। सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के एनसीसी 15 गर्ल्स एवं 45 बटालियन द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के प्राचार्य RN सैमुअल ने सड़क सुरक्षा के बारे में शपथ भी दिलाई और हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली सेंट्रल ड्यूज कॉलेज से निकलकर अम्बेडकर चौक कचहरी चौराहा शास्त्री चौराहा होते हुए वापस कॉलेज पर आकर समाप्त हुई, जिसके संबंध में सेंट्रल ड्यूज कॉलेज की प्राचार्य RN सैमुअल ने बताया कि लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रति लोगों की उदासीनता होती है। यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जीवन से ही वाहन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो और हम सभी NCC के इस सार्थक पहल और प्रयास की सराहना करते हैं तथा इस रैली के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आम जनता की जिंदगी बहुमूल्य है, सड़क हादसे में किसी प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए तथा सभी को सावधानी पूर्वक वाहन को चलाना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर निधि लाल, डॉक्टर अमित मसीहा सहित अन्य NCC के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट्रल ड्यूज कॉलेज की प्राचार्य RN सैमुअल ने कहा, वो जो नहीं जा रहे हैं, और उससे पहले कि हम लोग ये रोड अवेयरनेस रैली निकालें, हम लोग एक रोड अवेयरनेस के लिए एक शपथ लेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल मैम से कि वो शपथ लेने में हमारे कैडेट की मदद करें। जब ये शपथ ये हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा ना कोई मैसेज भेजेंगे ना देखेंगे। हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद, जय भारत। भैया पीछे पीछे मत करो इतनी मस्ती, मत करो इतनी मस्ती, मत करो इतनी मस्ती, इतनी नहीं है सस्ती। ये रैली जो है NCC के कैडेट्स निकाल रहे हैं सड़क सुरक्षा के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आम जनता की जिंदगी या किसी की भी जिंदगी बहुत बहुमूल्य है और उसको सड़क हादसे में जो है कतार भी नाश नहीं होना चाहिए। इसलिए ये रैली जो है जन जागरूकता के लिए है और हमारे कैडेट्स जो है इसको लेके जा रहे हैं और हम सोचते हैं और आशा करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि ये बच्चे जो हैं अपना संदेश जनता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। हम संदेश में ये कहना चाहेंगे कि स्पीड थ्रिल्स
बट किल्स, इसलिए लोगों को सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये रैली जो है यहाँ से निकल करके अम्बेडकर चौराहे होते हुए फिर वहाँ से घूम करके वापस टाउन हॉल, टाउन हॉल जाएगी और टाउन हॉल से फिर पीछे शास्त्री चौक, शास्त्री चौक से फिर इंटर कॉलेज, जनरल इंटर कॉलेज, फिर वापस आएगी। जनपद में दिन में धूप निकलने से आम जनमानस को बाहर निकलकर कार्य करने में राहत मिल रही है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में लगातार शीतलहर और कोहरे की वजह से आम जनमानस को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही थी। ऐसे में लगातार 4-5 दिन से धूप निकलने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। लोग घरों से निकल कर अपना कार्य कर रहे हैं और परिवार के साथ पार्क में बैठ कर धूप का आनंद ले रहे हैं। खिलखिलाती धूप से लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। नागरिकों ने बताया कि धूप निकलने के बाद से हम अपने आप को ताजा महसूस कर रहे हैं। ठंड की वजह से हम घर से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। छात्रों ने कहा कि कॉलेज जाने में हमें समस्या हो रही थी, ठंडी में प्रैक्टिकल में मजबूरी में जाना पड़ रहा था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पढ़ाई भी पूरी तरह से हो पा रही है। धूप निकलने की वजह से हमें काफी एनर्जी मिल रही है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी भी रात में टेम्परेचर तकरीबन 60 डिग्री के आसपास हो जा रहा है, लेकिन दिन में टेम्परेचर ठीक रह रहा है। अभी लगभग एक सप्ताह तक इसी तरह से ठंड रहेगी। अगले 3 दिनों तक टेम्परेचर 15 से लेकर 19 डिग्री तक रहेगा और रात का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा। वहीं उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि आपको रात्रि में निकलना आवश्यक है तो ठंड से बचने के लिए जैकेट, मफलर, दस्ताने पहनकर ही निकलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक और एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। मीना देवी, घर शीतलहर के बाद लगातार कई दिनों से धूप निकल रही है, किस तरह का धूप निकल रही है? तो एकदम अच्छा लग रहा है, गर्मी का महसूस हो रहा है, ताकत मिल रहा है शरीर में, ऑक्सीजन मिल रहा है ताकत वाला, मतलब पहले से आराम अच्छा है। हाँ आराम है, पहले से आराम है। कहाँ से आई हैं? हम तो आए हैं बिहार से। सतीश कुमार, इधर लगातार दिनों से धूप निकल रही है, किस तरह से राहत मिल रही? बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है धूप निकलने पे, जैसे कि लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है धूप निकलने से। इतने दिन में ठंडे में हम लोग थे लोग और धूप निकला है कुछ दिन से, तो बहुत अच्छी लग रही है। जब तक कोहरा शीतलहर था तब तक समस्या था, कुछ काम धाम नहीं हो रहा था, अब बहुत अच्छा लग रहा है। जिधर मन उधर सो जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बिहार से छपरा से आए हैं। सरिता देवी, इधर कुछ दिनों से धूप निकल रही है शीतलहर के बाद, किस तरह का आराम मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसे क्योंकि धूप से बहुत राहत मिला है इंसान को। और जब तक ठंडी थी तब तक समस्याएं थी? बहुत समस्या था। किस तरह की समस्या? बहुत ठंड से आदमी बहुत भूखे मर गया, बहुत आदमी ठंडे से मर गया है। अब बहुत राहत है, बच्चे का भी, हर एक जानवर का भी राहत है। आदित्य, इधर कुछ दिनों से मौसम खिला हुआ, धूप निकला, किस तरह का आप लोगों को महसूस हो रहा? बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, मतलब कई दिनों से शीत पड़ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, पर कुछ दिनों से 3-4 दिनों से धूप हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है।
धूप सेक रहे हैं? हाँ, धूप सेक रहे हैं। और बीच में कोहरा था तब उस समय समस्या थी? बहुत समस्या आई थी। अब सही है, अब धूप हो रहा है, छत पे भी कपड़ा वपड़ा सब सूख जा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से है? ये छात्र संघ आदित्यनाथ प्रसाद। इधर कुछ दिनों से मौसम काफी खिला हुआ, धूप निकल रहा है, किस तरह का महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि धूप निकलना चाहिए और कपड़ा पहनो तो धूल बहुत सारी रहेगी, मतलब मौसम ठीक होने से काफी आराम मिलता है। हाँ, आराम मिलता है। कहाँ से आए? मैं बुलंदपुर से, मनाली। इधर बीच में कुछ दिनों से मौसम काफी अच्छा हो गया है, धूप निकल रहा है, तो किस तरह का महसूस हो रहा है? मतलब काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले क्या था, बहुत ठंड थी तो हम लोग आ नहीं पा रहे थे कॉलेज के लिए, और कोशिश कर रहे थे और प्रैक्टिकल्स थे तो हम लोग को मजबूरी में आना पड़ रहा था और काफी तबियत भी खराब हो जाती, तो वेदर निकलने की वजह से काफी अच्छा धूप भी निकला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे कॉलेज अभी एक घंटे बाद है क्लास, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छी धूप निकली है और वेदर इतना अच्छा है, तो आई थिंक सब लोग यहाँ पे बैठे, वरना खाली खाली ग्राउंड रहता था, आज तो फिर भी भरा हुआ है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब धूप निकला है। तो कहाँ से आई हैं? हम यही गोरखपुर से ही हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रात्रि में अभी भी टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री के आसपास हो जा रहा है और दिन में टेम्परेचर अब बढ़ने लगा है। अभी आगामी एक सप्ताह की फोरकास्टिंग लगभग ऐसे ही है कि दिन में टेम्परेचर लगभग 15 से लेकर के 19 डिग्री तक हो जाएगा, लेकिन रात्रि का टेम्परेचर 7-8 डिग्री तक रहेगा। तो मेरा अनुरोध है आप सबसे, यदि आपको रात में आवश्यक कार्य से निकलना ही हो तो जाड़े का प्रबंध करके निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि यदि उन्हें रात्रि में कहीं भ्रमण करना है या आवश्यक कार्य से कहीं जाना है तो अपना जाड़े के दृष्टिगत अपना प्रबंध करके चलें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 2,70,000 लूट की घटना निकली। फर्जी पैसा गिरने के बाद गड़ा था फर्जी लूट होने की कहानी। सीसीटीवी छानबीन के बाद हुआ खुलासा। एसपी सिटी ने कहा, पैसा गिरने के स्थान की जा रही है छानबीन, की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। शासन द्वारा निर्धारित 1,80,000 मैट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 77% की जा चुकी है धान की खरीदारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जानकारी देते हुए कहा, 15 फरवरी तक निर्धारित लक्ष्य को कर लिया जाएगा पूरा। किसानों को किसी भी प्रकार की हो दिक्कत तो तत्काल दे सूचना, किया जाएगा तुरंत समाधान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय देश का बन गया है A++ ग्रेड पाने वाला अब चौथा विश्वविद्यालय। मिलेगी सरकार द्वारा तमाम तरह की सुविधा। अब देश के अन्य राज्यों से भी विश्वविद्यालय में बच्चे लेंगे एडमिशन। विश्वविद्यालय बढ़ाने जा रहा है सीट। राशन कार्ड धारकों को मिल रहे निःशुल्क राशन को भारत सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाया। अब 1 साल तक सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क राशन। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी। मार्च 2020 में कोरोना के समय में हुए मृतक गार्जियन के 2 बच्चों को शासन द्वारा बाल सेवा सामान्य योजना के तहत भरण पोषण करने के लिए 2,500-2,500 रुपए की दी जाएगी सहायता। जरूरी नहीं कि कोविड से ही हुई हो मृत्यु, केवल कोरोना काल में हुई गार्जियन के सामान्य मृत्यु पर भी अनाथ 2 बच्चे होंगे पात्र। जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने दी जानकारी। बैंक रोड चौराहे पर रोड के किनारे बांसवाड़ों के विरुद्ध अभियान चलाकर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम एवं कोतवाली पुलिस तथा नगर निगम के कर्मचारियों ने हटवाया अतिक्रमण। उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला ने कहा, दी गई है हिदायत, आगे किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए अतिक्रमण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए 24 प्रत्याशी हैं मैदान में। 30 जनवरी को होगा मतदान। 17 जिलों में वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 321 बूथ। 2 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय में होगी मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जी
जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं एवं हिंदुओं की हत्या के विरोध में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा, घृणा फैलाने व समाज को भड़काने वालों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया जाए एक कठोर कानून। सेंट एड्यूज कॉलेज के एनसीसी 15 गर्ल्स एवं 45 बटालियन द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। कॉलेज के प्राचार्य आरएन सैमुअल ने सड़क सुरक्षा की दिलाई शपथ। कहा, विद्यार्थी जीवन से ही वाहन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो छात्र छात्राएं, रैली करने का यही है मकसद। और दिन में धूप निकलने से आम जनमानस को घर से बाहर निकलकर कार्य करने में मिल रही है राहत। लोग अपने परिवार के साथ पार्क में बैठकर ले रहे हैं धूप का आनंद। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, सुबह व शाम में रहेगी ठंड, गर्म कपड़ा पहनकर ही निकले घर से बाहर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।